Hello children, in last video we read the computer's main parts. Today we will discuss about the computer's other parts. So take out page number 14. Other parts of a computer. Last video में हमने computer के main parts पढ़े थे. अब हम उसी से related कुछ other parts पढ़ेंगे. तो चलिए page number 14 निकालिए. पेज नंबर 14 अदर पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर. इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द कंप्यूटर पार्ट्स एंड देयर कीज. इन दिस चैप्टर वी विल रीड द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, अदर पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर. फर्स्ट इज प्रिंटर. प्रिंटर प्रोवाइड्स अस प्रिंट आउट्स ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन दैट वी सी ऑन ए मॉनिटर ऑन टू ए पेपर. प्रिंटर प्रोवाइड अस प्रिंट आउट्स. प्रिंटर हमें प्रिंट आउट्स देता है डाटा एंड इंफॉर्मेशन के. दैट वी सी ऑन ए मॉनिटर. जो हम मॉनिटर पे देखते हैं वो हमें पेपर पे प्रिंट करता है देता है. इट इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग योर वर्क. प्रिंट आउट्स प्रिंटेड ऑन पेजेस आर कॉल्ड हार्ड कॉपी. बोथ द ब्लैक एंड वाइट एंड कलर्ड प्रिंट आउट्स कैन टेकन फ्रॉम द प्रिंटर. लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आर मेन टाइप ऑफ प्रिंटर्स यूज इन अवर डेली लाइफ. प्रिंटर हमें प्रिंट आउट्स देता है. जो भी डाटा और इंफॉर्मेशन रहती है हम मॉनिटर पर जो भी देखते हैं वो हमें प्रिंट आउट्स में देता है. हम जो भी वर्क करते हैं वो हमें प्रिंट करता है, पेजेस पे प्रिंट करके देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी. यह ब्लैक भी हो सकता, ब्लैक वाइट एंड कलर्ड. कलर्ड में भी प्रिंट आउट्स हमें ये हम इसे ले सकते हैं प्रिंटर से. और प्रिंटर के कौन कौन से होते हैं, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आर मेन टाइप ऑफ प्रिंटर्स यूज इन अवर डेली लाइफ. और हम इसे अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं. अबे माइक्रोफोन, लुक एट हियर, दिस इज द माइक्रोफोन. सी दिस पिक्चर. माइक्रोफोन आर यूज्ड टू रिकॉर्ड योर वॉइस और साउंड इन ए कंप्यूटर. माइक्रोफोन हमारी वॉइस को साउंड को रिकॉर्ड करता है कंप्यूटर में. फिर है स्पीकर्स. यू कैन लिसन म्यूजिक और रिकॉर्ड साउंड विद द हेल्प ऑफ ए स्पीकर. हम स्पीकर की सहायता से म्यूजिक सुन सकते हैं और साउंड रिकॉर्ड विद द हेल्प ऑफ ए स्पीकर और साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं. यू कैन लिसन म्यूजिक और रिकॉर्ड साउंड विद द हेल्प ऑफ ए स्पीकर. फिर है नेक्स्ट वेब कैमरा. इट कैप्चर्स वीडियो एज वेल एज डेटा फॉर कंप्यूटर विथ रीजनेबली गुड क्वालिटी. इट इज कॉमनली यूज फॉर वीडियो चैटिंग. वेब कैमरे से हम डाटा, जो भी डाटा रहता है, जो वेब कैमरा रहता है, इट कैप्चर्स वीडियो. जो वेब कैमरा रहता है वो वीडियो को कैप्चर करता है, साथ ही डाटा और डाटा फॉर कंप्यूटर विद रीजनेबली गुड क्वालिटी. इट इज कॉमनली यूज फॉर वीडियो चैटिंग. और ये वीडियो चैटिंग में भी यूज होता है. हाउ कंप्यूटर वर्क्स. कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रोसेस ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट. How does the computer work? Input, process, output. It is also known as IPO cycle. Computer IPO cycle पे work करता है. It is also known as the IPO cycle. Let us take some daily life examples to understand the IPO cycle in detail. हम कुछ examples लेते हैं. Computer works on the process of input, process, output. It is also known as the IPO cycle. When you want to talk to someone by phone, you have to take the following 3 steps. जब हमें किसी से बात करना चाहते हैं हम, तो हमें फोन पे जब हम किसी से बात करना चाहते हैं तो हमें ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेगी. इनपुट इट मीन्स डायलिंग ए नंबर. सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर डायल करेंगे. प्रोसेसिंग में क्या होगा, कनेक्टिंग द नंबर. फिर वो नंबर कनेक्ट होने की प्रोसेस होगी. एंड आउटपुट में टॉकिंग. जब नंबर कनेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, टॉकिंग, है ना.
तो कंप्यूटर कैसे वर्क करता है? आईपीओ साइकिल पे। आईपीओ साइकिल जैसे इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, क्या करेंगे इसे? इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट आईपीओ। उसी तरह से वी सी द अदर एग्जांपल। व्हेन यू वांट टू मेक ऑमलेट यू हैव टू टेक द फॉलोइंग स्टेप्स। जैसे आप अगर ऑमलेट बना रहे तो आपको कौन सी स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी? इनपुट आपको एग्स एंड ओनियन, ठीक है, ये चाहिए रहेंगे। फिर प्रोसेसिंग में आप क्या करेंगे? बीटन एग्स एंड कुकिंग, उसे तोड़ के उसको कुक करेंगे। आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? ऑमलेट। जैसे हम इनपुट हमने कंप्यूटर में डाला, उसमें प्रोसेस हुई और क्या बाहर आया? आउटपुट में हमें उसका रिजल्ट शो हुआ। ठीक है, आपको समझ में आया? इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट आईपीओ। फर्स्ट है इनपुट। द इनपुट कंसिस्ट ऑफ द डेटा एंड द इंस्ट्रक्शन वी पुट इनटू द कंप्यूटर। इनपुट में हम क्या करते हैं? डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में डालते हैं। प्रोसेसिंग, फिर प्रोसेस क्या होती है? द वर्क डन बाय ए सीपीयू ऑन द गिवन इंस्ट्रक्शंस, जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं सीपीयू को, टू गिव ए मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, तो वो हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है। दिस इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग। मतलब जो भी हमने कंप्यूटर में डाला वो क्या हुआ? प्रोसेस हुआ। फिर आउटपुट, मतलब उसने क्या शो किया? द रिजल्ट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड आउटपुट। जब वो रिजल्ट शो हुआ तो उसे हम क्या बोलेंगे? आउटपुट, है ना। जो प्रोसेसिंग होके जो रिजल्ट शो हुआ उसे क्या बोलेंगे? आउटपुट। तो थ्री स्टेप्स है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। द रिजल्ट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड आउटपुट। द साइकिल ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट विद द फॉलोइंग एग्जाम्पल। द डेटा एंटर्ड इन टू द कंप्यूटर एज इनपुट एंड द इंस्ट्रक्शन इज गिवन टू एड द डेटा बाई यूजिंग प्लस साइन। कंप्यूटर फॉलोज द इंस्ट्रक्शन एंड एड द डेटा एज प्रोसेसिंग विच गिव द रिजल्ट एज सम ऑफ ऑल द डेटा इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। जैसे हमने कंप्यूटर में डेटा डाला और इसमें डाला हमें, इन्हें सबको क्या करना? प्लस। तो इन सबकी क्या हुई? प्रोसेसिंग हुई। और प्रोसेसिंग में आउटपुट क्या आया? ये आंसर आया, ये आंसर है ना। तो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। पेज नंबर 16, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं वो अब हम पढ़ेंगे। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। देयर आर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। वन, स्पीड। सेकेंड, रिलायबिलिटी। थर्ड, स्टोरेज। एंड फोर्थ, वर्सेटिलिटी। वन, स्पीड। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ जॉब्स इन ए सेकेंड। इट वर्क्स वेरी फास्ट। इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। स्पीड मीन्स फास्ट। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ जॉब्स, ये बहुत सारे जॉब्स को कुछ सेकंड्स में ही कर देता है, एक सेकंड में ही कर देता है। इट वर्क्स वेरी फास्ट। इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। इसलिए सबसे चैरिटिक इसकी क्या विशेषता है? स्पीड। कंप्यूटर में क्या है? स्पीड है, है ना। ये हमारे टाइम भी बचाता है और बहुत सारे मिलियंस ऑफ जॉब्स को, बहुत सारे काम्स को सेकंड्स में ही कर देता है। फिर है रिलायबिलिटी। वी कैन रिले ऑन ए कंप्यूटर एज इट गिव्स द एक्यूरेट रिजल्ट। व्हेन वी वर्क We can sometimes make mistakes. It can be human error, but computer does not make mistakes. Reliability means we can rely on a computer. जब हम computer पे work करते हैं, it gives the accurate result. तो computer हमें accurate result देता है when we work. लेकिन हम जब work करते हैं तो हमसे गलती भी हो जाती है, कभी कभार हमसे गलती भी हो जाती है, लेकिन computer गलती नहीं करता है। इट कैन बी ह्यूमन एरर बट कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक, लेकिन कंप्यूटर गलती नहीं करता है। थर्ड है स्टोरेज। अ कंप्यूटर कैन स्टोर अ लॉट ऑफ डेटा इन इट्स मेमोरी। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट कैन बी रिकॉर्ड एट एनी टाइम। स्टोरेज, कंप्यूटर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरी को, डाटा को सेव करता है, स्टोर कर सकता है। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट कैन बी रिकॉर्ड एट एनी टाइम, और इसे हम वापस ला सकते हैं जब भी हमें देखना हो। वो सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता हो, जब भी हमें इसकी ज़रूरत लगती है हम उसे फिर से देख सकते हैं। तो ये बहुत सारी मेमोरी को स्टोर
कर सकता है। कंप्यूटर कैन स्टोर लॉट ऑफ डाटा इन इट्स मेमोरी, किसमें? उसकी मेमोरी में। फोर्थ, वर्सेटिलिटी। कंप्यूटर इज सेड टू बी अ वर्सेटाइल मशीन एज इट कैन सॉल्व ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम वेदर अर्थमेटिकल और लॉजिकल। कंप्यूटर हैज इट्स एग्जिस्टेंस ऑलमोस्ट इन एवरी फील्ड। कंप्यूटर इज सेड टू बी वर्सेटाइल मशीन एज इट कैन बी सॉल्व ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम वेदर अर्थमेटिकल लॉजिकल। कंप्यूटर हैज इट्स एग्जिस्टेंस ऑलमोस्ट इन एवरी फील्ड। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसे हर चीज का नॉलेज है। वह सारी प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉल्व कर देता है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, वेदर अर्थमेटिकल हो या लॉजिकल। कंप्यूटर हैज इट्स एग्जिस्टेंस ऑलमोस्ट इन एवरी फील्ड। कंप्यूटर ने हर फील्ड में अपना अस्तित्व बना लिया है। की नोट्स। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट्स एंड प्रोसेसेस डेटा ऑन कमांड फ्रॉम द यूजर। द डेटा एंड इंफॉर्मेशन फेड इन ए कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट। आउटपुट इज द रिजल्ट रिसीव्ड आफ्टर द डेटा इज प्रोसेस्ड। कंप्यूटर वर्क्स ऑन आईपीओ साइकिल। CPU processes and stores large amount of data. Monitor shows all the inputs and outputs on its screen. Mouse is used to point and select any object on the screen. Keyboard is used to enter information and data in a computer. It is an important input device. Printer prints the output on a paper. Web camera captures pictures and puts it in the computer. So children, you have to read this key notes and learn it. Okay?